लो जी, हो गई हूं मैं तैयार। और ये वही वाली साड़ी है जो मैंने दिवाली पे पहनी थी, तो वही पहन ली है। और मैं सोच रही हूँ यही शाम को पहन लेती हूँ, बार बार में कौन चेंज करेगा। अच्छी लग रही है साड़ी, खैर देखेंगे शाम को तो क्या पहनते हैं। अभी तो खैर मैं तैयार हुई हूँ चाक भात के लिए, अभी प्रोग्राम है चाक भात का, तो वहां पे मैं जा रही हूँ। आप लोगों को भी लेके चलूंगी, दिखाऊंगी क्या होता है, चाक कैसे पूछते हैं हमारे यहाँ पे। घरों के खाना बना रही हूँ ना, तो उसे सीरियल की जो बहुए होती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। सीरियल में ऐसे ही तो बहुए खाना बनाती है ना। चलो खैर जल्दी से बना लेते हैं, लेट हो रही है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देंगे। आज मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी, ना ही जल्दी ना ही लेट। मतलब जैसे ही मैं पहुंची ना, भात की रस्में शुरू हो गई थी। और कहाँ कहाँ पे ये भात और मायदे की रस्म होती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे राजस्थान में होती है, भात भी बोलते हैं कई जगह, मायरा भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं कितने सुंदर सुंदर तैयार होके। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में ना, नानी बाई राम मायरा एक कथा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसने भी नानी बाई का मायरे की कथा सुनी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा मायरा हमारे राजस्थान के इतिहास का वो माना जाता है। वहाँ पे भगवान खुद आए थे नानी बाई का मायरा भरने के लिए। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जब भी मैं वो मतलब देखती हूँ ना मूवी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो मतलब जब भी मैं किसी का भात या मायरे की रस्म देखती हूँ ना, तो वो मुझे घड़ी याद आ जाती है। तो इसमें यही होता है कि मतलब जो लड़की के मामा है, मतलब जैसे आज ममता की शादी है, तो जो ममता के मामा जी हैं वो आते हैं मायरा लेके, खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। इस तरह से होती है मायरे की रस्में। खैर जी, भात मायरा हो गया है और अब यहाँ पे हो रहा है चाक का पूजन। तो चाक पूजन में और ये जो पानी के घड़े हैं ना, इनकी पूजा होती है। और इनको लेती हैं चाची या भाभी होती है ना घर की, वो लेती है। तो एक ममता की चाची जी ने लिया है और एक ये छोटी भाभी थी उनकी, तो उन्होंने लिया है। और इस तरह से अब चाक पूजी जाएगी, सब लेडीज़ गीत गा रही हैं, तो इस तरीके से होता है। और ये रस्म भी कहाँ कहाँ होती है मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, ठीक है। चाक पूजने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई अब तेल उतारने की रस्म। हल्दी वाले दिन तो तेल चढ़ाया जाता है दुल्हन को या दूल्हे को, और आज शादी वाले दिन तेल उतारा जाता है। तो ये सारी रस्में होती है, मतलब आज के दिन तो बहुत सारी रस्में होती है। और ये रस्म कहाँ कहाँ होती है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैंने हल्दी वाले दिन तेल चढ़ाया था, तो आज मैं भी उतार रही हूँ। मतलब जो सात सुहागने तेल चढ़ाती हैं वहीं फिर उतारती भी है। तो बस ये रस्म हो गई है, और उसके बाद अब शुरू हो गई है ये झोल डालने की रस्म। तो ये जो है जोड़े से करते हैं, ये दुल्हन के मम्मी पापा हैं, तो सबसे पहले इन्होंने झोल डाला है। और मतलब अब जो भी घर में जो भी होंगे ना, बुआ जी, फूफा जी, मामा, मामी, चाचा, चाची, सब लोग जो है ना ये झोल डालते हैं। और ये जो रस्म है वो जोड़े से करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर और झोल डालते हैं। पर जोड़ा जब ना हो साथ में तो देवरानी जिठानी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मेरी जिठानी जी ने मिलकर ये रस्म करी थी, क्योंकि हस्बैंड तो शॉप पे थे ना। 1 बजे गई थी मैं, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए। कानों में हो गया दर्द, इतने भारी भारी है झुमके जाम के पहनने से दर्द हो जाता है। खैर अब मैं करूँगी पहले तो कपड़े चेंज, और फिर थोड़ा सा चाय पीऊँगी, अपनी ग्रीन टी पीऊँगी, और मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और फिर शाम को तैयारी करेंगे बारात की, है
तो मैं सांस तो पूरा दिन, आज का जो ब्लॉग है पूरा शादी ब्लॉग होने वाला है कि पूरा दिन शादी के दिन हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो पहले ये खोल लेते हैं सबसे पहले अपने आज बुलबुल को मैं ही तैयार कर रही हूँ, हल्का फुल्का सा मेकअप कर दिया है क्योंकि बुलबुल ने लहंगा डाला है और हल्का फुल्का मेकअप अच्छा लगता है लहंगे के साथ। और सिंपल सी हेयर स्टाइल बना दी है क्योंकि ज़्यादा मुझे हेयर स्टाइल वगैरह बनानी आती नहीं है, जैसी मुझे आई है वैसी मैंने बना दी है। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, आज हम लोग शादी में जा रहे हैं। मैंने पहना है ये वाला टॉप, जो कि टॉप नहीं ये ब्लाउज है मेरा। और आज किसने रेडी किया? आज किया है मम्मी जी ने रेडी। लाओ उधर पीछे करके दिखाओ, पीछे से ये मेरी हेयर स्टाइल है। मेरे को तो ऐसी आती है हेयर स्टाइल बनानी, अच्छी बनाती है मैंने। ये मेरा लहंगा है और मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, ऐसा मम्मी का कहना है। बुलबुल की लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लग रही थी तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डार्क लिपस्टिक बच्चों पे अच्छी नहीं लगती है। बाकी बुलबुल को कर दिया है मैंने अच्छे से तैयार और अब मैं तैयार हो जाऊँगी आराम से। पहले बच्चों को तैयार कर दो ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ये बुलबुल का जो लहंगा है ना, ये है गुड्डू का लहंगा। गुड्डू का लहंगा पहना है बुलबुल ने। जो मेरे पुराने व्यूवर्स है ना उनको तो याद भी होगा, मैं गुड्डू ने दिवाली पे लिया था ये लहंगा और अभी ये बुलबुल को फिट आ रहा था बिल्कुल से, तो बुलबुल को वही पहना दिया। और अब मैं तैयार हो रही हूँ फटाफट, पतिदेव भी तैयार हो गए हैं। और ये साड़ी मैंने ली थी, हाँ मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, मैंने कहा भी था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसका ना थोड़ा सा जो ये फैब्रिक है ना थोड़ा अलग टाइप का है, इसको टिशू का फैब्रिक है इसका और थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है। इस बार हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा अलग कलर लो, हमेशा तुम ऑरेंज येलो रेड इसी तरह के कलर जो है ले लेती हो, तो इस बार थोड़ा सा हट के कलर ले लो। तो इस बार मैंने ये थोड़ा सा अलग टाइप से कलर लिया है। और बाकी आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और अब हम लोग हो गए हैं तैयार, तो ये मैंने पतिदेव की पसंद से ली है, मुझे तो थोड़ी कम पसंद आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़े से ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं जैसे रेड ऑरेंज इस तरह के, पर पतिदेव ने कहा कि नहीं इस बार ये वाला कलर ले लो। तो जी बस तैयार होके निकल पड़े हैं हम गेस्ट हाउस के लिए। और ठंडी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी आज, तो स्पेशली ठंड हो गई ऐसा लग रहा है शादी को लेकर, मतलब बहुत बाहर इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही थी। मैंने न्यूज़ में देखा भी था कि आसपास में जो है ना ओले पड़े हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और शादी में फैशन की वजह से हम स्वेटर वगैरह तो पहनते नहीं हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगी मुझे बाइक पर जब मैं पहुँची वहाँ पर। खैर जी अब बारात आने वाली है, तो यहाँ पे जो रस्में होगी ना, अब मतलब जो दुल्हन की मम्मी है वो कुछ रस्में करेगी, दूल्हे का स्वागत करेगी, तिलक करेगी और भी काफ़ी सारी रस्में होती है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और जो दुल्हन की जो चाची होती है, जो भाभी होती हैं, वो करती है दूल्हे को ये शीशा दिखाएंगे, दूल्हे को मतलब कुछ इस तरह की रस्में होती है, मतलब दूल्हे को कंघी करेंगे, दूल्हे के काजल डालते हैं, इस तरह से बहुत सारी रस्में होती है। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी जैसे ही मैं घर पर पहुँची यहाँ पर। और यहाँ पे दुल्हन भी हो गई है बिल्कुल से तैयार, देखो अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताना ज़रूर कैसी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही थी। जिठानी बता रहे थे, अच्छा बोली वो बड़े हैं।
अच्छा आप ननद हो? हाँ। अच्छा अच्छा फिर तो आप हेलो कर दो एक बार, एक बार हेलो कर दो, एक बार हेलो कर दो सारे। अब ये है दुल्हन का ससुराल पक्ष, सबको तो अलग अलग तो मैं नहीं जानती, ऐसे ही सब ननद ही है, सब ननद है ना। वो आएंगे अभी, पापा ने बोला खाना खाकर सबको रवाना ही होना है। अच्छा इससे इतनी जल्दी हो रखी है जाने की? कोई नहीं टाइम से भेज देंगे आपको। अच्छा ऐसे क्या? अच्छा अभी देखेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। देवांश। हाँ, अच्छा आप तो बहुत क्यूट हो, एक बार हेलो कर दो सबको। ओके बच्चे को बड़ी जल्दी हो रही थी अपनी चाची को घर लेकर जाने की, और हमें जल्दी हो रही थी खाना खाने की क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 10:30 बज गए थे क्योंकि बारात आई उसके बाद जो है जो भी रस्में हुई उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी जो है हम लोग खा रहे हैं खाना, मैं, मेरी जिठानी जी और सब लोग, हमने साथ में ही खाना ले लिया है। बुलबुल ने तो पहले ही खाना पीना कर लिया था क्योंकि वो पहले ही आ गई थी यहाँ पे, मतलब जहाँ पे गेस्ट हाउस में शादी थी ना वहाँ पे। और यहाँ पे जी अब दुल्हन भी आ गई है स्टेज पे, तो अब आप लोग थोड़ा सा ये वाला फंक्शन जो है एंजॉय कीजिए। लो जी हो गई वरमाला भी, और आप सब भी दुल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिएगा अपना कमेंट्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सब लोगों के आशीर्वाद का। और हम लोगों का खाना तो हो गया था और उसके बाद हमें पता चला कि इधर स्टॉल्स भी लगी हुई थी, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए क्योंकि वही है शादी में चाहे कितना कुछ भी खा लो बट जब तक गोलगप्पे ना खाओ ना तब तक लेडीज़ का पेट भरता नहीं है। और हाँ मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि गोलगप्पे खाते वक्त तुम वीडियो मत बनाया करो, बहुत ही गंदा मुंह बनता है तुम्हारा, तो मैंने यहाँ पे फिर वीडियो नहीं लिया था। और बस स्टेज पे हमने जो है दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं और बुलबुल तो आ गए थे घर, काफ़ी लेट ही हो गया था, करीबन 11:30 बज रहे हैं अभी, टाइम हो गया रात के करीबन 11:30 बज रहे हैं अभी आए हम घर। और बुलबुल का एग्ज़ाम है इस वजह से मैं आ गई, वरना तो मैं फेरों तक रुकने वाली थी, मेरा बहुत मन था कि मैं फिर देखूं आप लोगों को भी दिखाऊं पर नींद आ रही है इसको। तो खैर जी आ गए हैं, बस अब चेंज करेंगे, इसको भी सुलाऊंगी। और पतिदेव नहीं आए अभी, वो वहीं पे हैं, वो रुकेंगे अभी वहाँ पे, तो बस अब चेंज करेंगे और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, रूटीन वाले ब्लॉग्स आएंगे अब तो, शादी के ब्लॉग तो ये हो गया, तो बस जी इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय राधे राधे। आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे लड्डू गोपाल जी इंतज़ार में बैठे हैं, 9 बजे तक इनको दूध पिलाकर सुला देते हैं। और आज हुआ ऐसे कि उस टाइम मैं तैयार हो रही थी और मैंने दूध भी ठंडा कर दिया था, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप दूध पिलाकर उनको सुला दो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, और उन्होंने कहा मैं सुला दूंगा, पर फिर वो भूल गए, उनको भी याद नहीं रहा और मैंने भी नहीं देखा मंदिर में जाते वक्त कि लड्डू गोपाल जी को सुलाया है या नहीं सुलाया उन्होंने। तो अब घर आई हूँ, आकर उनको मैंने दूध पिलाया है और अब सुलाया है, तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। खैर जी बुलबुल को भी सुला दिया है और अब मैंने कर लिए हैं चेंज करूंगी, और ये जो भी बिखेड़ा करा है ना ये कल समेटूंगी क्योंकि अब तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। खैर जी इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यही पेंड, फिर मिलूंगी, टाटा बाय बाय राधे राधे।